तो दोस्तों शिमला मिर्च उगाना काफ़ी आसान है, वो भी अपने बालकनी गार्डन में मैं उगाती हूँ। आप देख लीजिए मेरे पौधे में कई सारे कैप्सिकम लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने गार्डनिंग की हुई है तो आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा, मगर आप बिगिनर है तो पहले इसकी सीडलिंग से स्टार्ट कीजिए। अगर सीडलिंग अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो फिर पौधा तो अपने आप ग्रोथ ले लेगा, मगर हाँ इसको कुछ बातों की रिक्वायरमेंट होती है जिसका हम डिस्कशन एवरी वीडियो में करेंगे और मैं दिखाऊंगी मैं कौन सा खाद भी देती हूँ तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो बने रहिए मैं वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैप्सिकम को सोइल काफ़ी बढ़िया चाहिए, यानी कि जो पानी इसमें से निकल जाए ऐसी मिट्टी बनाएंगे तो आपका पौधा अपने आप ही अच्छे से ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि इसको पानी रुका हुआ पसंद नहीं है। तो इसीलिए भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और दोस्तों कई बार मेरे यहाँ पे कमेंट आता है कि मेरे वो कैप्सिकम के जो फ्लावरिंग होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उसका मेन रीज़न है कि इसमें पॉलिनेशन नहीं होता, यानी कि जो होता है वो पोलन वो ट्रांसफ़र नहीं होता, इसीलिए ये फ्रूट नहीं बन पाता। तो इसका सबसे बेस्ट आसान तरीका है कि आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए, यानी कि कोई ब्रश की मदद से अगर आप इस तरह से पोलन को लेके आप स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें फ्रूट बनेगा। ये पौधा जो ये प्रोसेस है वो नेचुरल होती है जब हमारे यहाँ कीट पतंगे आते हैं, मगर नहीं आते तो हमें इस तरह पॉलिनेट करना पड़ता है। और दूसरी बात करूँ मैं फर्टिलाइज़र के बारे में, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पे फ्री में मिलता है, वही मैं अपने पौधे में देती हूँ। तो ये कैल्शियम का ही एक स्रोत है, यानी कि चॉक जो हम यूज़ करते हैं हमारे बच्चे स्लेट पे लिखने के लिए, उसी चॉक का एक इंच का टुकड़ा लेके आप पानी में भिगो के इसे दे सकते हैं, मगर हाँ क्वांटिटी ध्यान रख के देना है, ज़्यादा नहीं देना। इससे क्या होगा, कैल्शियम से आपका पौधा मजबूत बनेगा, और पौधा अगर मजबूत बनेगा तभी इसमें कलियाँ ज़्यादा आएगी। तो देखिए मैंने इतना सा ही दिया है, इससे जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो मेरे पौधे को मिल जाएगी। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं दूंगी वो भी अपने घर से आसानी से निकलता है, वो है कॉफ़ी पाउडर का पानी, वो भी आपको घर से ही मिल जाएगा। उससे भी क्या होगा कि आपकी मिट्टी जो अल्कलाइन बन जाती है खाद देने के बाद उसको एसिडिक बनाएगा, और आपको पता है कि जो भी फूल जिसमें भी आते हैं उसकी मिट्टी अगर एसिडिक हो तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है और उसमें कलियाँ भी ज़्यादा आती है। तो इस तरह से ये दो फर्टिलाइज़र है वो आप कभी भी दे सकते हैं 15 दिन में एक बार। बाकी वर्मी कंपोस्ट भी आपको हर 15 दिन में देना है, ये इसकी मेन खाद है, अगर ये देंगे तो आपके पौधे जो है वो अच्छे से ग्रोथ लेंगे। और दूसरा आप जो घर पे जो भी फर्टिलाइज़र आपके किचन से निकलता है वो भी आप इसमें दे सकते हैं, वो भी अच्छा होगा इसकी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आपको इस बातों का ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो है कि इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए। अगर सनलाइट में कमी होगी तो आप कितना भी खाद दो, कितनी भी अच्छी मिट्टी बनाओगे, मगर उसका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पौधे को मिनिमम आप 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो देखिए मेरी सनलाइट भी मैं प्रॉपर मिलती है, खाद भी अच्छे से मिलती है, तो कितने सारे आप कैप्सिकम इस प्लांट में देख सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे भी कैप्सिकम निकल जाते हैं तो फिर मैं इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ, यानी कि जो भी डेड पार्ट होता है यहाँ देखिए इस तरह से इसको मैं कट कर दूँगी, ताकि वहाँ से नया ग्रोथ निकलेगा और उसमें भी ज़्यादा कलियाँ आएगी, और ज़्यादा कली आएगी मतलब ज़्यादा कैप्सिकम भी हमें मिलेंगे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए तो आप भी आपके पौधे में भी इस तरह से कैप्सिकम आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और हैप्पी गार्डनिंग।